खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NHISS MPPSC में। हम लोग इस श्रृंखला में देख रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स से संबंधित टेस्ट सीरीज, और आज की टेस्ट सीरीज वह है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज की, जो कि इंदौर का एक प्रसिद्ध संस्थान है। इसमें हम यूनिट नंबर सेकंड का टेस्ट आज देखेंगे। तो आइए समय न गवाते हुए हम जल्दी से अपने टेस्ट को शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो पर अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म इसमें से सही सुमेलित नहीं, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहला है बुंदेली। एक तरफ बोलियां दी गई हैं और उनकी उपबोलियां बताई गई हैं। तो बुंदेली बोली की उपबोली कौन सी, भदावरी और बनफरी इसकी उपबोलियां हैं। मालवी की उपबोली कौन सी है, तो सोधावड़ी और खटोला। तो यहाँ पे जो खटोला है ना, खटोला जो है, तो यह मालवी की उपबोली नहीं, यह बुंदेली मालवी की उपबोली नहीं है, किसकी उपबोली है, तो यह बुंदेली की उपबोली आप याद रखेंगे। दूसरा है निवाड़ी। तो निवाड़ी की कौन सी है, बरेला है और भेली है, और बघेली की उपबोलियां हैं तिरहरी और गहोरा। तो विकल्प बी यहाँ पे असुमेलित है, आपको ध्यान देना है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। मालवी की अन्य बोलियों में आप रजवाड़ी का नाम याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की बोलियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की बोलियों के संबंध में हमें निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहले इसमें से असत कथन की बात करनी है। बुंदेली साहित्य की दृष्टि से समृद्ध बोली है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार बुंदेली बोली का, ये भी बिल्कुल सही है, सर्वाधिक विस्तार जो है इसी का मिलता है, ठीक है। कहीं कहीं पे मालवा की जो बोली है, मालवी बोली है, उसका भी प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन यदि एरिया वाइज और स्टैंडर्ड बुक्स में देखें तो इसमें बुंदेली का विस्तार ही मिलता है। तो यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। आगे बढ़े हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। असत्य विकल्प पर हमें यहाँ पे बात करनी है कि असत्य विकल्प इनमें से कौन सा है। सबसे पहले मवासी, नहाल, यह मध्य प्रदेश की जनजाति बोलियां हैं, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा ब्रजभाषा नीमच मंदसौर जिलों में बोली जाती है। तो ब्रजभाषा नीमच मंदसौर बोली जाती है, नहीं, नीमच मंदसौर नहीं बोली जाती, क्योंकि ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, ये मुख्य रूप से उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी MP में यह मुख्य रूप से भाषा बोली जाती है, ब्रजभाषा। तो यहाँ पे बी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, केशवदास और पद्माकर बुंदेली बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, बिल्कुल सही। बघेली बोली को पूर्वी हिंदी वर्ग में रखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बाकी शेष कथन सभी सही है, जबकि बी विकल्प हमारा यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा साहित्यकार निमाड़ी बोली से संबंधित नहीं है। तो निमाड़ी बोली से कौन सा साहित्यकार संबंधित है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो गौरी शंकर शर्मा और श्रीराम परिहार निमाड़ी से हैं क्या, बिल्कुल ये निमाड़ी बोली से के संबंधित हैं। श्रीराम परिहार और गंगाधर व्यास ये भी निमाड़ी बोली से हैं। विश्वनाथ सिंह और जगनिक, देखिए विश्वनाथ सिंह आ गए, विश्वनाथ सिंह कहाँ संबंधित है, ये तो रीवा के हैं, तो रीवा जैसे आए तो आपको समझ आना है कि यह निमाड़ी से नहीं है। और जगनिक जो है, जगनिक भी कहाँ के हैं, ये बुंदेलखंड के हैं, बुंदेलखंड, ठीक है, तो ये बुंदेली के हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देना है कि बुंदेली के हैं जगनिक और विश्वनाथ सिंह है रीवा के, मतलब बघेली। तो विकल्प सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी विकल्प जो है तो सही उत्तर हो जाएगा। महादेव चतुर्वेदी और प्रभाकर चौबे तो इसके हैं ही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अम्मार बोल किस बोली भाषा का पहला महाकाव्य है। अम्मार बोल नाम आपको नया लग रहा हो तो आप इसे जल्दी से नोट कर ले, क्योंकि अंतिम समय में आखिरी के जो 3 दिन रहेंगे वहां पे आपको रिवीजन के लिए सहायता करेगा। तो यहाँ पे निमाड़ी बोली का जो है तो महाकाव्य है अम्मार बोल, ये ध्यान देंगे। और इसके जो लेखक है उनका नाम क्या है, तो ये जो ऊपर लेखक लिखे गए हैं महादेव प्रसाद चतुर्वेदी जी जो है, यही इसके लेखक है, आप ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा युग गलत सुमेलित है। तो गलत सुमेलित कौन सा है, तो गलत सुमेलित यहाँ पे है सबसे पहले तो मालवी और संबंधित क्षेत्र क्या है। मालवी बोली जो है वो कहाँ बोली जाती है, उज्जैन और धार क्षेत्र में मालवी बोली जाती है, बिल्कुल बोली जाती भाई। बघेली सीधी और धार में बोली जाती है, नहीं धार में तो नहीं बोली जाती, धार में तो मालवी बोली जाती है, ठीक है, तो ये यहीं पे हमारा बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। बुंदेली दमोह सागर में और निवाड़ी बुरहानपुर खंडवा में बोली जाती है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महाकवि कालिदास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महाकवि कालिदास के संबंध में हमें निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा कथन क्या है, असत्य कथन यहाँ पे बताना है कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले कालिदास जी की पहली रचना मालविकाग्नि मित्रम मानी जाती है, बिल्कुल सही। इन्हें विशेष ख्याति अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से प्राप्त हुई, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। विकल्प डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न, मूला और मुलई को कौन सी जनजाति आदि पुरुष मानते हैं, क्या नाम है, आप ये नाम याद रखेंगे, मूला और मुलई, इसको जल्दी से अपने नोट में
नोट करेंगे कि मूला और मुलई को कौन सी जनजाति आदि पुरुष मानती है, तो मूला और मुलई को कोरकू जनजाति जो है वह आदि पुरुष मानती है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोरकू जो है वो अपने आप को रावण का वंशज ही मानते हैं। किसका वंशज? रावण का वंशज मानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भवभूति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। भवभूति के संबंध में बात की जा रही, तो भवभूति के संबंध में यह कन्नौज की यशोवर्मन के दरबारी कवि थे, बिल्कुल ये सही है। दूसरा कथन कहता है कि इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते थे। नहीं भाई, भारतीय आत्मा तो इनको कहता है कहा ही नहीं जाता। भारतीय आत्मा हम किन्हें कहते हैं? ये कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को। विकल्प बी ही यहाँ पे हमारा असत्य हो गया। तीसरा स्टेटमेंट उत्तर रामचरितम इनकी प्रमुख रचना, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, केशवदास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो केशवदास के संबंध में हम विचार को देखते हैं और यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें से सत्य है, सत्य कथन की हमें बात करनी है। यह ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी थे, बिल्कुल सही। इन्हें रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो विकल्प एक और दो दोनों सही है, मतलब दोनों कथन सही होंगे, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन से साहित्यकार का जन्म होशंगाबाद नर्मदापुरम में नहीं हुआ है। तो होशंगाबाद नर्मदापुरम की बात करें, किसका जन्म नहीं हुआ ये हमें यहाँ पे बताना है। तो माखनलाल जी का जन्म तो नर्मदापुरम में हुआ है, हरशंकर परसाई जी का भी नर्मदापुरम में हुआ है, और गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है कहाँ पे? श्योपुर में हुआ है। और भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म भी नर्मदापुरम में हुआ है। विकल्प सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा युग्म गलत सुमिलित है। गलत सुमिलित हमें बताना है। सबसे पहले भूषण की रचना कौन सी है? शिवराज भूषण और भूषण उल्लास, बिल्कुल सही। कवि पद्माकर की रचनाएं हैं हितोपदेश और गंगा लहरी। केशवदास की रचना है कवि प्रिया और उर्मिला। अब यहाँ पे देखिए, जो कवि प्रिया है वो तो है केशवदास की रचना, लेकिन जो उर्मिला है ना वह इनकी रचना नहीं है। वो किसकी रचना है? वह है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। तो विकल्प सी ही यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। और शरद जोशी की रचनाएं कौन सी है? परिक्रमा और तिलिस्मिन की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पीड तेज लग रही हो तो आप प्लेबैक स्पीड से धीरे कर लें। निम्न में से किस लोक साहित्यकार को कृषि पंडित कहा जाता है? कृषि पंडित किसे कहते हैं भाई? तो घाघ जो थे, घाघ दुबे को कृषि पंडित कहा जाता है, और इन्होंने कृषि को सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय भी घोषित किया था। सही कूट पहचानिए। कुछ साहित्यकारों के नाम बताए गए हैं यहाँ पे और उनसे संबंधित पत्रिका के संपादकों से संबंधित किया गया है। तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा इसमें से सही कूट होगा, सही जोड़ी मिलानी है। तो माखनलाल जब भी आएंगे तो आपको प्रभा याद रखना है। माखनलाल प्रभा, प्रभा माखन खाती, ऐसा करके याद कर लीजिए आप। तो माखनलाल चतुर्वेदी ये प्रभा हो गए, भवानी प्रसाद मिश्र जी हो गए कल्पना, गणेश शंकर विद्यार्थी जी का क्या था? प्रताप था। और हरशंकर परसाई जी का क्या था? प्रहरी था। तो परसाई क्या हो गए? परसाई हो गए प्रहरी। गणेश जी क्या हो गए? गणेश जी का प्रताप है इस विश्व में। भवानी कैसी है? तो भवानी कल्पना रहित है। और माखन कैसा है? माखन जो है तो प्रभा रहित है ना, प्रभा। तो माखन प्रभा याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसे सही जोड़ी मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न, किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? आसान सा प्रश्न है, केशवदास को हम कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के संबंध में देखते हैं। सबसे पहले, इनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ, बिल्कुल। इन्हें मध्य प्रदेश की महादेवी वर्मा कहा जाता है, बिल्कुल सही। मुकुल त्रिधारा आदि इनकी रचनाएं हैं, बिल्कुल सही। पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रमुख रचना है, यही गलत हो गया। पुष्प की अभिलाषा इनकी रचना नहीं है, बल्कि किसकी रचना है? और माखनलाल जी की रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के। विकल्प डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकारों में कौन सा कथन असत्य है, ये हमें यहाँ देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जगनिक कालिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी कवि थे, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसुरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है, ये भी सही है। और ये आपको ध्यान रखना, बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहते हैं? इसुरी को कहते हैं। तीसरी बात है, आलाखंड करुण रसप्रधान है क्या? नहीं भाई, करुण नहीं, वीर रसप्रधान है आलाखंड। तो विकल्प सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और परिमल दास और जगनी की रचना, ये भी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे निमाड़ का कबीर कहा जाता है? निमाड़ कबीर किसे कहते हैं आप बताइए? तो निमाड़ कबीर हम किन्हें कहेंगे? संत सिंगा जी को हम निमाड़ का कबीर कहते हैं। विकल्प ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इनमें से असत्य है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तानसेन का अन्य नाम रामतनु मिश्र था। रामतनु मिश्र इनका नहीं, रामतनु पांडे नाम था शायद, रामतनु पांडे, ठीक है, यहाँ शायद मिसप्रिंट हो गया होगा। इन्होंने मानसिंह की विधवा मृगनयनी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने मृगनयनी शिक्षा प्राप्त की थी क्या? बिल्कुल सही। तानसेन की समाधि शिवपुरी में है, तो ये गलत है, शिवपुरी में नहीं है, कहा है? ये है ग्वालियर में, मोहम्मद गौस, और इनकी समाधि आमने सामने ही है। तो विकल्प सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही कूट पहचानी है। सही कूट पहचानना है यहाँ पे संगीतकार संबंधित घराने को हमें यहाँ पे जोड़ी मिलान करना है। तो हाफिज अली खान जो है
हाफिज अली खान कहाँ संबंधित है, तो ये संबंधित है ग्वालियर से, हाफिज अली खान ग्वालियर। लतीफ खां की बात करते हैं तो लतीफ खां कहाँ संबंधित है, भोपाल संबंधित है। आमिर खान, तो आमिर खान जो है इंदौर से, और बेगम असगरी बाई जो है बिजावर घराने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, बेनजीर भवन का निर्माण किसने कराया था, बेनजीर भवन जो है उसका निर्माण किसने कराया था, तो बेनजीर भवन का निर्माण शाहजहां बेगम ने कराया था, और ये कहाँ पे कराया था, तो ये इन्होंने भोपाल में कराया था, शाहजहां बेगम के द्वारा भोपाल में ताज उल मस्जिद का निर्माण भी कराया गया था, और इन्होंने ही शाहजहानाबाद की स्थापना भी की थी, और इन्हीं के समय में पहली जनगणना भोपाल रियासत में की गई थी। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो संबंधित क्षेत्र और लोक गायन की बात की जा रही, कौन सा इसमें संबंधित है ये हमें बताना है। तो मालवा का लोक गायन कौन सा है, भरथरी और हीड़ गायन मालवा के लोक गायन है। दूसरा, निमाड़ का लोक गायन निर्गुणिया और माशाणिया है, बिल्कुल ये भी सही है। बघेलखंड का जो लोक गायन है वो बिरायटा और बसदेवा है क्या, नहीं बिरायटा नहीं है, बिरायटा कहाँ का भैया, तो बिरायटा है बुंदेलखंड का, आप ध्यान देंगे, बसदेवा तो यहीं का है, और बसदेवा के साथ आप नाम याद रखें बिरहा, या नाम याद कर लीजिए बिरहा और विदेशिया, बिरहा और विदेशिया। और बुंदेलखंड का लोकनर कौन सा, तो आल्हा गायन और भोला गीत, तो विकल्प सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सही कूट पहचानना है हमें, यहाँ पे फिर से सही जोड़ी आ गई हमारे सामने, सही जोड़ी हम देखते हैं, एक तरफ लोक नृत्य दिए गए हैं और उनके संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, तो ये हम देखते हैं। मटकी कहाँ से होती है भाई, तो मटकी जो है तो मालवा में होती है, मटकी मालवा में। गणगौर कहाँ होता है, गणगौर होता है निमाड़ में। सैला नृत्य कहाँ होता है, सैरा, तो सैरा होता है कहाँ, बुंदेलखंड में। और कलसा कहाँ होता है, कलसा होता है बघेलखंड में, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश संबंधित चित्रकार नहीं है, मध्य प्रदेश संबंधित चित्रकार में से कौन से नहीं है, तो विष्णु चिंचालकर ये तो है, सैयद हैदर रजा ये भी है, देवयानी कृष्ण भी है, जबकि यहाँ पे कुछ प्रश्न में दिक्कत है क्या, इनका संबंध नहीं है, ठीक ये डाउट में से डाउट में रखते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगा सभी लोग हैं क्या, हैदर रजा, बाबा डी के, चिंचलाकर, इसे डाउट में रखते हैं, ठीक है, और इसे आपको क्या करना है, कमेंट करना है सही उत्तर इसका क्या होगा। अगला प्रश्न है, सही कूट पहचानिए, सही कूट पहचानिए यहाँ पे हमें बताना है। अच्छा देखिए, प्रश्न सही से हमने नहीं पढ़ा, देखिए प्रश्न पढ़ते हैं क्या लिखा है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश संबंधित चित्रकार नहीं है, चित्रकार नहीं है, चित्रकार में कौन से, बाबा डी के जो है चित्रकार नहीं है, ये क्या है, ये है रंगकर्मी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, विकल्प डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, पेपर में ध्यान देना है, प्रश्न हमें एक से दो बार पढ़ना है आराम से। आगे बढ़े हम, तो सही कूट लोक शिल्प कलाएं और संबंधित जिलों की बात करनी है हमें। सबसे पहले कार्ड शिल्प कहाँ होता है, कार्ड शिल्प होता है मंडला में, गुड़िया शिल्प होता है झाबुआ में, बांस शिल्प होता है कहाँ पे, बालाघाट में, और छिपा शिल्प कहाँ होता है, उज्जैन में, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारत भवन का अंग नहीं है, भारत भवन का एक अंग नहीं है ये हमें यहाँ बताना है, तो वागार्थ है, अनाहत है, रूपांकर है, पाठशाला जैसा कोई वहां पे अंग नहीं है, तो विकल्प बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप इनके छह अंगों के नाम याद रखिए, छह अंग कौन कौन से हैं, सबसे पहले है वागार्थ, फिर अनहत, फिर रूपांकर, फिर रंगमंडल, फिर ललित और फिर आकार, तो ये छह नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, सही कूट पहचानिए, कुछ संस्कृत संस्थाएं दी गई हैं और उनके स्थापना वर्ष बताए गए हैं, रिवीजन के हिसाब से बहुत अच्छा होने वाला है, आप जो फैक्ट भी भूल रहा है आप तुरंत उसको एक व्हाइट पेज में नोट करते चलें। सबसे पहले मध्य प्रदेश कला परिषद, तो मध्य प्रदेश कला परिषद जो है तो 1952 में, और साहित्य परिषद 54 में, ये तो तुरंत आप कर लिया करें, कला में दो शब्द आ रहे हैं तो ये क्या हो गया 52 हो जाएगा, और साहित्य जो है तो इसमें 1954 हो जाएगा। भारत भवन आप सबको पता है 1982 में भारत भवन है हमारा, प्यारा भारत भवन, और उसके बाद कालिदास अकादमी के देखें तो 1977, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको जोड़ी मिलान कर लेनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह जो है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये अब कहाँ किया जा रहा है, ये अब ग्वालियर में किया जा रहा है, आपको ध्यान देना है। 28 नंबर जो विकल्प है उसका सही उत्तर का विकल्प डी होगा, पहले कहाँ होता था, पहले ये भोपाल में होता था, पहले भोपाल में, लेकिन अब कहाँ होता है, अब ग्वालियर में होता है। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, कौन सा युग्म यहाँ पे गलत सुमेलित है ये हमें बताना है। तानसेन समारोह कहाँ होता है, तानसेन समारोह भाई ग्वालियर में होता है, बिल्कुल होता है। टेपा सम्मेलन उज्जैन में होता है, हास्य व्यंग संबंधित, ये भी सही है। दुर्लभ बाद विनोद खजुराहो में होता है, नहीं भाई खजुराहो में तो होता नहीं, ये कहाँ होता है, ये भोपाल में होता है। और पद्माकर समारोह सागर में होता है, विकल्प सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कुछ कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है हमें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पे हमारा क्या है। अच्छा यहाँ पे असत कथन हमें ढूंढना है, असत कथन कौन सा है, तो सबसे पहले महादेवी वर्मा सृजन पीठ हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है, बिल्कुल हिंदू विश्वविद्यालय भोपाल में है महादेवी वर्मा सृजन पीठ।
उसके बाद है आमिर खान समारोह प्रतिवर्ष भोपाल में होता है क्या? आमिर खान संबंधित ही थे इंदौर से, तो भोपाल में कैसे जाएंगे भाई, ये गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे विकल्प दो गलत है, बाकी एक और तीन सही है, तो विकल्प दो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तुलसीदास जो समारोह है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है आपको बताना है, तो ये चित्रकूट में होता है। तुलसी समारोह कहाँ होता है? चित्रकूट में होता है। और अकादमी जो है वो कहाँ है? अकादमी है 1987 में, ये भी ध्यान देना है। और कहाँ है? तो ये भोपाल में है। अगला प्रश्न सही कूट पहचानिए, फिर से देखिए हमें सही जोड़ी मिलान करनी है यहाँ पे, तो संग्रहालय और स्थानों को हमें बताना है। त्रिवेणी संग्रहालय कहाँ है? उज्जैन में है। जब भी आप बाबा महाकाल के पास जाएंगे तो वहां पे त्रिवेणी संग्रहालय मिलेगा आपको सबसे शुरू में। साकेत संग्रहालय कहाँ है? तो साकेत संग्रहालय निमाड़ी में है। धुबेला संग्रहालय कहाँ है? तो छतरपुर में है। और जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में है। ठीक है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? खजुराहो के जो मंदिर थे उनका निर्माण कराया गया था चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था, आप ध्यान देंगे। छतरपुर जिले में है और 1986 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा युग में गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित हम बताना है हमें, तो गलत सुमेलित कौन सा है? सबसे पहले अजयगढ़ का दुर्ग कहाँ है? अजयगढ़ के दुर्ग में अमर महल है, बिल्कुल। रायसेन दुर्ग में बादल महल है, ये भी सही है। धार किले में खरबूजा महल, ये भी सही है। ओरछा दुर्ग में सतखंडा महल नहीं है, ओरछा दुर्ग में सतखंडा महल नहीं है, ये कहाँ है? ये है दतिया में, तो विकल्प डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न सही कूट पहचानिए, यहाँ पे सही जोड़ी हमें फिर से मिलानी है, तो गोमत गिरी कहाँ है? इंदौर मत जाओ, गोमत इंदौर, तो इंदौर हो गया सबसे पहले। गोमत गिरी कहाँ? इंदौर में है। सोने के दांत है हमारे पास, तो भाई सोने का कहाँ हो गया? सोनगिरी हो गया दतिया में। पुष्प किसको चढ़ते हैं? देवताओं को पुष्प चढ़ते हैं, तो पुष्पगिरी देवास हो गया। और पावागिरी कहाँ है? तो पावागिरी, पाव कौन खाता है? पाव खाते हैं तो खरगौन, ठीक है, पावागिरी। ऐसे कुछ ट्रिक है, विशेष ट्रिक नहीं है, बस आपको शब्द पे ध्यान देना है, वहाँ पे आपका ऑप्शन ठीक सही होना चाहिए बस। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों पर हमें विचार करना है, तो आइए देखते हैं कौन से कथन यहाँ पे सही है, सही कथन पर हमें विचार करना है। सबसे पहले मकड़ई किला हरदा में है, बिल्कुल मकड़ई किला हरदा में है। दतिया के किले का निर्माण भारती चंद बुंदेला ने कराया था, ये गलत हो गया। दतिया किले का जो निर्माण है किसने कराया था? उनका नाम है वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला, ये नाम आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है जस्टिस, जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन, ठीक, ये नाम सुन लीजिए आप, जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन कहाँ लिखा है? ये लिखा है दतिया किले में, यहाँ पे ये गलत हो गया। तीसरा, दतिया किले पर जस्टिस इज द, अच्छा लिखा ही हुआ यहाँ पे, चलिए मैं फालतू यहाँ परेशान हो रहा था, तो द जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन लिखा है दतिया किले में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे सेकंड गलत है, मतलब एक और तीन यहाँ पे सही हो गए। अगला है सही कूट पहचानिए, सही विकल्प यहाँ पहचानना है हमें कि सही जोड़ी मिलानी है, सॉरी, व्यक्तित्व और संबंधित समाधि स्थलों का कहाँ है ये बताना है। रानी रूपमती की समाधि कहाँ है? तो सारंगपुर में है, बिल्कुल। बैजू बाबरा की समाधि कहाँ है? तो ये चंदेरी में है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? तो ये बरेला जबलपुर में है। और मल्हारा होलकर की समाधि है भिंड जिले में। आगे बढ़े, सही कूट पहचानिए, फिर से सही कूट पहचानना है। धार्मिक स्थल और उनके स्थान दिए गए हैं, तो सबसे पहले मितावली कहाँ है? तो मितावली माँ से, मितावली माँ से मुरैना। हिंगलाज मंदिर कहाँ? हिंगलाज मंदिर कहाँ? मंदसौर में। भोजपुर, भोजपुर कहाँ है? भोजपुर भाई रायसेन में। और पीताम्बरा पीठ कहाँ है? दतिया में है, जहाँ सोनगिरी है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की हमें बात करनी है, तो सबसे पहले रानी अवंती बाई की समाधि मंडला जिले में स्थित है। रानी अवंती बाई की समाधि मंडला जिले में, बिल्कुल सही है। झलकारी बाई रानी अवंती बाई के अंगरक्षक थे, ये भी बिल्कुल सही है। झलकारी बाई जो है, नहीं, झलकारी बाई जिनके सहायता थी ही नहीं, गिरधारी बाई थी, है ना, यहाँ पे झलकारी बाई लिखा है, ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। झलकारी बाई जो है किनकी थी? ये थी झांसी की रानी की, लक्ष्मी बाई, सॉरी, है ना, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, ये इनकी सहायिका थी। जबकि अवंती बाई की सहायिका का नाम क्या था? इनका नाम था गिरधारी बाई। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है? तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो बाघ कैसा होता है भाई? बाघ होता है डेंजर, तो डेंजर फील्ड ने इनकी खोज की थी बाघ गुफाओं की, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न सही कूट पहचानिए, फिर से देखिए सही जोड़ी आ गई, सही जोड़ी जब जितनी ज्यादा आएंगी उतना अभ्यास के लिए हमें अच्छा रहता है। गुफाएं और स्थान देख लीजिए, तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ है भाई? ये गुफाएं हैं कहाँ पर? रायसेन में है मृगेंद्रनाथ। धमनार की गुफाएं कहाँ है? धमनार की गुफाएं मंदसौर में।
मारा की गुफाएं सिंगरौली में, भरतरी गुफाएं उज्जैन में। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। मध्य प्रदेश के किस जिले से नंदवंश की मुद्राएं या सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो नंदवंश की जो मुद्राएं और सिक्के प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई है बताना है, तो बड़वानी जिले से प्राप्त हुई हैं नंदवंश के सिक्के मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा असंगत है? असंगत कौन सा है? अवंती का पुराना नाम, नया नाम उज्जैन, वत्स का नया नाम, तो वत्स भाई ग्वालियर था ना, खजुराहो नहीं था। खजुराहो का नाम क्या था? अब देखिए यहाँ पे खजुराहो का नाम देख लीजिए, खरजूर वाहक, खरजूर वाहक। वत्स किसका था? तो वत्स ग्वालियर का। दर्शन विदिशा का था, अनूप निवाड़ का था, विकल्प बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चेदी, खजुराहो क्या बोलते, चेदी भी बोलते थे। ठीक है, चेदी मिल जाए आपको तो भी ध्यान देना, अनूप निवाड़ हो गया। अगला प्रश्न, परिव्राजक वंश का संबंध किस जिले से है? तो परिव्राजक जो वंश है उसका संबंध यदि हम देखते हैं तो कहाँ से है? पन्ना से है क्या? नहीं, पन्ना से नहीं है। बालाघाट, जबलपुर, सागर कहाँ से है भाई बताइए? तो परिव्राजक वंश का जो संबंध है पन्ना, पासे परिव्राजक और पासे पन्ना, विकल्प ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसके प्रमुख शासकों का नाम सुन लिए आप, देवादयन, प्रभंजन, इस्तिन और संक्षोभ। संक्षोभ का नाम विशेष रूप से आपको याद रखना है। और आज का अंतिम प्रश्न है, शुंग वंश मूल रूप से किस स्थान संबंधित है? तो शुंग जो वंश था वो संबंधित कहाँ था? उज्जैन संबंधित शुंग वंश था। इसकी इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। राजधानी क्या थी? राजधानी थी विदिशा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने 45 क्वेश्चन कर लिए हैं शेष, अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। हम जरूर जीतेंगे।